हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। एंड मैं आपको बता दूं, सुबह की शुरुआत में दिन से इतने गंदे हुए हैं ना, हमारे रूम में ना एक चमगादड़ घुस गई थी एंड वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे जैसे करके उसे निकाल के आए एंड जल्दी जल्दी मैं तैयार हुआ, अब मैं जा रहा हूँ स्कूल में, फिर जाके आप लोगों से मिलते। एंड गाइस, जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचता हूँ तो ये दो पपी हमारे स्कूल के पास में रहते हैं और ये मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। इसका नाम जोजो है और इसका नाम ये जोनी है। दोनों भाई भाई है एंड दोनों काफी ज्यादा मेरे से काफी ज्यादा अटैच्ड है। देख लो, अब ये ना मेरे से हेलो कर रहा है। हेलो जी गाइस, मैं स्कूल में से आ गया था एंड फिलहाल देखते हैं मम्मी ने लंच में क्या बनाया है। राइट, तो मम्मी ने ना शाम के लिए छोले बना, मतलब छोले चावल बनाने के लिए शायद वो करे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। राइट, तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। जब भी हमारे घर पे छोले चावल या छोले भटूरे वगैरह बनते हैं ना, तो हम लोग फैमिली में मोस्टली एक चाट बनाते हैं छोले से, जो सभी लोग उसको खाने में काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज भी मैं बनाने वाला हूँ और गाइस आप लोगों को भी खिलाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर मैं थोड़े से छोले ले लेता हूँ चाट बनाने के लिए। इसको पानी में थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा यहाँ पे एंड हाँ, इतने ही काफी है भाई, ज्यादा नहीं बनानी मुझे क्योंकि इतनी भूख नहीं है, पर मन कर रहा है ना टेस्ट के लिए, फिर से बना रहा हूँ। दैट्स ऑल। और मैं कुछ बेसिक से मसाले यहाँ पे निकाल लेता हूँ। नमक चाहिए मुझे, धनिया, हाँ ये चाट मसाला भी चाहिएगा। फिर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैं चाट मसाला एंड थोड़ा सा हरा धनिया, और लास्ट में बस नाम नाम के लिए ना, क्योंकि मुझे इतना तीखा नहीं चाहिए, थोड़ी सी मैं लाल मिर्च का पाउडर, दैट्स ऑल। और इसको अच्छे से मैं मिला दे रहा हूँ। मिल भाई, जल्दी जल्दी मिल, मुझे टाइम। हाँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बॉईल करके आलू काट के डाले और थोड़े से यहाँ पे टमाटर, हाँ अच्छे से मिला दे रहा हूँ चम्मच से यार, एंड इसको भी ना अच्छे से मिला दे रहा हूँ। गजब, मिल गया भाई। इसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ देता हूँ क्योंकि जो खट्टापन है ना वो आ जाएगा और काफ़ी अच्छी लगेगी हमारी चाट। गाइस, हमारे घर में ना प्याज खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं प्याज भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, उसको भी मिला दिया। और एंड में यहाँ पे मैंने फ्रेश दही ली है जो हमने कल ही बनाई थी, इसको भी ऊपर से स्प्रेड कर दिया, ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं। और ग्रीन चटनी ना कल समोसे मंगाए थे हमने, उसकी बच रही है एक चम्मच, ज्यादा नहीं। और लास्ट में मैं रेड वाली ये चटनी भी डाल रहा हूँ भाई, या ये थोड़ी सी ज्यादा डालूंगा क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी लगती है इससे। और जी कुछ ही पल में हमारी चाट जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है ना, वो बनके तैयार ही होने वाली है। थोड़ी सी और डालू और ये टन टडा। चलो अब अपनी चाट को ना टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही ज्यादा ओसम है गाइस, बिल्कुल चटपटी। ये आप लोग टेस्ट करो और मुझे खा के बताओ कैसी लगी। तो जी अभी मैं छत पे आया था एंड छत से ना मुझे काफी दूर दूर से ना बीम लाइट्स नजर आ रही है, तो शायद वहां पे जाग रहे हैं, तो चलो चल के देखते हैं। गाइस जहाँ पे जागरण हो रहा है ना, मैं फिलहाल अभी वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप लोगों से मिलता हूँ। काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पे एंड जागरण शुरू हो चुका है गाइस, आप लोग देख लीजिए। अगर आपकी गाड़ी में 5 जने बैठे हैं तो 1 जना हो जाए लेके जाओ, क्योंकि मेरे दरबार में मेरे सावरे का सहारा ही। गाइस जागरण के साइड में ही प्रसाद की स्टॉल लगी है, तो चलो प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। एंड यहाँ पर प्रसाद में है कढ़ी चावल, आप लोग देख लीजिए। एंड गाइस इतनी ज्यादा भीड़ है ना, इतने सारे लोग यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए आए हुए हैं, मेरे को तो नंबर ही नहीं आ रहा है मेरे तो जी। फाइनली काफी वेट के बाद नंबर आ गया।
एंड यहाँ पर मैं अपने प्रसाद को ग्रहण कर रहा हूँ एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छी वाइब्स भी मुझे यहाँ पे आ रही है। काफ़ी देर बाद मैं वहाँ से आ गया था एंड फिलहाल अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डिनर। डिनर में मम्मी ने आज बनाए हैं दाल चावल और इसी के साथ इस व्लॉग को भी करता हूँ मैं यहीं पर ही एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई व्लॉग के साथ। टिल दैट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज अबूजर गिफारी एंटरटेनमेंट। बाय 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 बाय।